हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भिंडी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत कम मसाले में बनाएंगे और बहुत कम ऑयल का यूज़ करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भिंडी बनाना। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 300 ग्राम भिंडी ली है। इसको खूब अच्छे से पानी से धो लिया है और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, जिससे हमारी भिंडी बिल्कुल सूखी सूखी रहे, पानी ना रहे इसमें। अब एक प्लेट ले लेते हैं और इसमें हम आगे और पीछे की भिंडी को थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं। चार छह भिंडी का हम ऐसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और ध्यान रखते हुए काटेंगे कि कई बार भिंडी में कीड़े आ जाते हैं ना, तो वो भी हम देखते हुए काटेंगे। और ऐसे ही हम सारी भिंडी काट लेते हैं। हमने भिंडी काट ली है। अब एक कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, क्योंकि हम बहुत कम ऑयल में सब्जी बनाएंगे, इसलिए बिल्कुल बहुत थोड़ा सा डाला है। और इस तेल को हम खूब तेज गरम कर लेंगे, जिससे सरसों के तेल की जो महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। और इसको कढ़ाई में चारों तरफ लगा देंगे, जिससे हमारी कढ़ाई भी चिकनी हो जाए। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा चिटकने लगेगा तो इसमें हम दो साबुत लाल मिर्च डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और एक चौथाई छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और इसी समय हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको भी थोड़ा चला लेंगे और तुरंत हमने जो भिंडी काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, नहीं तो हमारे मसाले थोड़े जो जल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और इसको हम डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चला देते हैं भिंडी को कि मसाले ऊपर नीचे हो जाएं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम। ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर है। और दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और लगभग एक छोटा चम्मच नमक, या स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें। बस हम इतने ही मसाले डालेंगे और इसको चला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे सारे भिंडी में अच्छे से लिपट जाएं। और बहुत देखिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। बहुत कम ऑयल में हमारी भिंडी बहुत ही चटपटी और बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के भिंडी गलने तक बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। अब इसको हम चला लेते हैं, लगभग एक दो मिनट हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल हरी हरी हमारी भिंडी बनी हुई है। और ऐसे ही हल्के हाथ से पलटते पलटते हुए इसको चलाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही खिली खिली हमारी भिंडी बनेगी और बिल्कुल भी इसमें लस नहीं आएगा। कई बार लोग कहते हैं ना, हमारी भिंडी में लस आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसको हम फिर से एक बार चला लेते हैं। हमारे फिर से एक दो मिनट हो गए हैं और देखिए, बिल्कुल भी हमारी भिंडी में लस नहीं आया है। और इसको हम ऐसे ही थोड़ा अलट पलट के भून भी लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे हमारी भिंडी बिल्कुल हरी हरी और खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी लस नहीं रहेगा। जो हल्का फुल्का लस अगर आया भी होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी समय हम गैस को बंद कर देंगे। नींबू के रस की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के रस से थोड़ा टेस्ट डिफरेंट और बहुत ही अच्छा आ जाता है, इसलिए हमने इसमें नींबू का रस डाला है। दोस्तों, हमारी भिंडी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी भिंडी बिल्कुल एक एक दाना खिली खिली, हरी हरी और बिल्कुल भी लस नहीं आएगा। जैसे भिंडी को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, सिम फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। सिम फ्लेम पे पकाने से क्या होता है, भिंडी में अक्सर लस छूट जाता है। और भिंडी जब गल जाएगी तो उसमें हम नींबू का रस या अमचूर पाउडर डालेंगे तो बिल्कुल भी लस नहीं आएगा और भिंडी हमेशा हरी बनी रहेगी। दोस्तों, इसको आप गर्मा गर्म रोटी पराठे और पूड़ी के साथ इंजॉय करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।